Hi students, how are you? I am once again over here to welcome you on my YouTube channel CBSE Classes by Goswami Swarchandra. Today I am going to resume a lesson what we have already done 50% of done we have already from that lesson. The fun they had written by Isaac Asimov. 50% means up to paragraph 7 we have already done. Paragraph 7 onward we have to start today. So at first let us recap the whole story what we have already completed. आपने सुना था कि एक टॉमी नाम का लड़का रहता है, उसको कहीं से एक पुरानी किताब मिल जाती है और उस किताब का जिक्र मार्जी अपने डायरी में करती है, क्योंकि ये कहानी का जो ग्राउंड है, इस स्टोरी का ग्राउंड मैंने बताया था प्रीवियस क्लिप में कि दिस इज़ अ साइंस फिक्शन एंड द ग्राउंड और द प्लॉट ऑफ दिस स्टोरी इज नॉट द कंटेम्परेरी और प्रेजेंट डे, दिस इज ऑफ 150 ईयर्स अहेड 2157, ये तब की बात है, उस समय क्या होगा इस बात को इसमें दिखाया गया। वहाँ मार्जी को आश्चर्य होता है पुरानी किताब देख करके, क्यों आश्चर्य होता है, क्योंकि उसे लगता है कि किताब जो पेपर पर लिखे गए होते हैं ऐसे नहीं हुआ करते हैं, क्योंकि उन दिनों के बच्चे 2157 ईस्वी के बच्चे उनको ई टेक्स्ट मिलेगा, ई बुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट पढ़ेंगे, दे विल स्टडी विद कंप्यूटर बाय लैपटॉप और अदर गैजेट्स, द डे विल बी वेरी मच एडवांस्ड, वह दिन बहुत ज़्यादा एडवांस होगा। तो चूंकि बच्चे उस एज के हैं इसलिए उनको जब पुरानी किताब मिल जाएगी तो उनको आश्चर्य होगा, जैसे आपको मैन्यूस्क्रिप्ट मिल जाए या ताम्र पत्रों पे लिखा हुआ कोई चीज़ मिल जाए तो यू विल ऑल्सो गेट सरप्राइज, आप भी सरप्राइज हो जाओगे। तो उनको जब ये किताब मिलती है तो सरप्राइज हो जाते हैं दोनों, मतलब मार्जी सरप्राइज हो जाती है, टॉमी उसको समझाने की कोशिश करता है और क्या, तब तक बात होती है कि वो पुराने स्कूल के बारे में है, एक ऐसा स्कूल जहाँ मतलब बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे और टीचर के रूप में मनुष्य हुआ करते थे, मतलब मनुष्य टीचर हुआ करते थे। मार्जी फिर सरप्राइज होती है, सी गॉट अ बैक, वो थोड़ा सा भौचक हो जाती है, क्यों भौचक हो जाती है, कहती है अरे आदमी टीचर, हाउ कैन अ मैन बी दैट मच स्मार्ट एज अ दैट मैकेनिकल टीचर, वो पूछती है कि कैसे आदमी मैकेनिकल टीचर जैसा स्मार्ट हो सकता है। तो टॉमी उसको समझाता है कि हो सकता है, माई फादर ऑल्सो नोज एज मच एज और मैकेनिकल टीचर, कहता है कि मेरे पिताजी उस मैकेनिकल टीचर के बराबर जानते हैं, टॉमी समझाता है। और इसी यहाँ तक हम लोग पढ़े थे, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं जो कि 7th नंबर पैराग्राफ का अगला पॉइंट है, अब देखेंगे अपने बुक में। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेस, कहता है कि वो जानते हैं, क्या कितना जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच मतलब पूरा जानते हैं, लगभग पूरा जानते हैं। आई बेस मीन्स यहाँ मैं तुम्हारे साथ बेट लगाता हूँ, मतलब बाजी लगाता हूँ। मार्जी वाजेंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्जी इस डिस्प्यूट के लिए, डिस्प्यूट मतलब यहाँ झगड़ा या द्वंद्व के लिए वो तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा आई वोंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, कहती है कि मैं एक अपरिचित आदमी को अपने घर में पढ़ाने के लिए तो रखना नहीं चाहती, मतलब नहीं रख सकती, सेंस ये है कि आई कांट कीप अ मैन इनसाइड माई हाउस टू टीच मी, वो भी स्ट्रेंजर को। आगे टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, अब टॉमी थोड़ा सा हंसते हुए चीखता है, चिल्लाता है, यू डोंट नो मच मार्जी, तुम नहीं जानती हो ज़्यादा मार्जी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो, द टीचर्स डिंट लिव इन द हाउस, और कहता है कि टीचर्स घरों में नहीं रहते थे, कब के टीचर्स, जब ये स्कूल हुआ करते थे, आज 2157 है, 2157 है और बात हो रही है 2000 की या 2000 पहले की बात हो रही है, तो उन दिनों टीचर्स घरों में नहीं रहते थे, वो कहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनका अपना एक स्पेशल बिल्डिंग, खास बिल्डिंग होता था और बच्चे वहाँ पढ़ने जाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे, जैसे आज हम लोग पढ़ते हैं, इसी बात की कल्पना, इसी बात को 200 साल बाद
बच्चे इस बात को हिस्ट्री समझ करके पढ़ेंगे कि अरे वो लोग जाके रूम में, एक वो क्लासरूम में पढ़ते थे, एक टीचर हुआ करता था, मतलब जो आज हम लोग करते थे ना अभी लॉकडाउन के पहले, ये बात 200 साल बाद एक हिस्ट्री होगी। और जैसे ये बच्चे बात करें, हो सकता है आने वाली पीढ़ी भी बात करें। आगे है, श्योर इफ देवर द सेम एज, मतलब मार्जिन ने पूछा कि एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, कि क्या और सारे बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? तो अब टॉमी रिप्लाई करता है कि श्योर इफ देवर द सेम एज, देवर द सेम एज, अगर उन सबका एक ही एज होता था तो वो एक ही चीज़ पढ़ते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। अब मार्जी कहती है बट माई मदर सेज, लेकिन मेरी माँ कहती है अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, मतलब एक टीचर को एडजस्ट किया जाना पड़ता है या एडजस्ट किया जाता है, किस लिए? टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर बच्चे के दिमाग, बच्चे या बच्ची के दिमाग के लेवल से उसको एडजस्ट किया जाता है। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, मतलब एक टीचर को, इसका सेंस ये है कि उसकी माँ कहती है, मार्जी की माँ कहती है कि हर एक टीचर को एडजस्ट किया जाता है। किस टीचर को? मैकेनिकल टीचर को, एक बच्चे या बच्ची के ब्रेन के लेवल के हिसाब से, क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, तो उसके लेवल के हिसाब से एक मैकेनिकल टीचर को एडजस्ट किया जाता है या करना पड़ता है। इट इज़ सेड बाई द मदर ऑफ दैट मार्जी, उस मार्जी के माँ के द्वारा ये कहा जाता है कि मैकेनिकल टीचर इज़ टू बी एडजस्टेड, चूँकि उस समय मैकेनिकल टीचर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस समय मैन टीचर नहीं है, तो कहती है कि अ मैकेनिकल टीचर इज़ टू बी एडजस्टेड एज पर द लेवल ऑफ द किड्स। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, फिर जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। फिर ये आगे है कि जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, मतलब ये वही चीज़ उस समय वो लोग नहीं करते थे। तो अब टॉमी कहता है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट, अगर तुम्हें इसे पसंद नहीं करती हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें इस किताब को नहीं पढ़ना है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, तो मार्जी कहती है कि मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने जल्दी ही कहा, सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहते थे। दे वेरेंट इवन हाफ फिनिश्ड वेन मार्जीज मदर कॉल्ड, अभी उन लोग आधा भी खत्म नहीं किए थे तब तक मार्जी की माँ ने उसे बुलाया, मार्जी स्कूल, चिल्लाती है कि मार्जी अब स्कूल टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ऊपर देखती है, नॉट येट मामा, मतलब अभी नहीं मामा, नाउ, तो उसने कहा कि अभी, सेड मिसेज जोन्स, मिसेज जोन्स ने कहा कि नहीं अभी, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और कहा कि ये प्रोबेबली, प्रोबेबली मीन्स पॉसिबली, प्रोबेबली, probably means possibly, मतलब संभवतः, कहा कि possibly ये टॉमी का भी टाइम हो गया है जाने का, टाइम टॉमी के भी स्कूल जाने का। मे बी ही सेड नॉन साइलेंटली, अब नॉन साइलेंटली मीन्स देखिए, नॉन नॉन साइलेंटली, नॉन साइलेंटली का मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, मतलब ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए, किसी भी काम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए अगर कुछ करते हैं तो नॉन साइलेंटली आप कहते हैं। तो इसमें मे बी ही सेड नॉन साइलेंटली, अब टॉमी कहा कि हो सकता है विदाउट एनी इंथुजियाज्म और विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट मच इंटरेस्ट ही सेड मे बी, हु सेड? टॉमी सेड। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, और वो सीटी बजाते हुए टॉमी बाहर निकल गया। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और उस पुराने डस्टी ओल्ड बुक को, उस पुराने बुक को अपने आर्म में टक्ड, मतलब दबाए हुए बाहर गया। मार्जी वेंट इन टू द क्लासरूम, और मार्जी क्लासरूम में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो उसके बेडरूम के दाएं साइड में आगे था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और वहाँ मैकेनिकल टीचर, मतलब कंप्यूटर वाला टीचर, वो ऑन था, ऑन मतलब मशीन जैसे ऑन होता है, ऑन था और वो इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और वो हमेशा इस समय सैटरडे और संडे को छोड़कर
ऑन होता रहता था और इंतजार करता था अपने स्टूडेंट का. बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ कहते थे कि छोटी छोटी बच्ची या छोटी बच्चियाँ रेगुलरली अगर सीखती हैं, रेगुलर आवर्स मतलब नियमित रूप से अगर सीखती हैं तो आसानी से सीख लेती हैं. द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन वो डिस्प्ले हुआ एंड इट सेड और बोला, स्क्रीन क्या बोला, टुडे इज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन अप्रोपर फ्रैक्शंस. अब उसे स्क्रीन से आवाज़ आई, मतलब जो कंप्यूटर था उसके स्क्रीन से आवाज़ आई कि आज अर्थमेटिक का लेसन होगा, अर्थमेटिक यू नो अंक गणित का लेसन होगा एंड इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और इसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस का एडिशन होगा, मतलब इस पे सीखा जाएगा. कहने का मतलब कि वो मैथमेटिक्स का कि अर्थमेटिक्स का लेसन होगा जिसमें प्रॉपर फ्रैक्शंस का एडिशन सीखना था. प्लीज़ इंसर्ट स्टडीज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और इंस्ट्रक्शंस दिया मार्जी को कि अपने होमवर्क को प्रॉपर स्लॉट में या स्लॉट में इस वो करो, इंसर्ट करो. मार्जी डिड सो विद अ साई, और मार्जी एक आह के साथ वैसा उसने किया, मतलब थोड़ी सी थोड़े से पेन के साथ. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड वेन हर ग्रैंडफादर्स ग्रैंडफादर वॉज ए लिटिल बॉय. अब वो वहाँ स्लॉट में अपने होमवर्क को डाल रही थी और सोच रही थी किस चीज़ को, जब उसके दादाजी के दादाजी स्कूल जाया करते थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द कोर्ट यार्ड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम. कह रहा है कि सभी बच्चे जो पड़ोस से आते होंगे और लाफिंग एंड शाउटिंग हंसते हुए चिल्लाते हुए इन द कोर्ट स्कूल यार्ड, स्कूल यार्ड में मतलब स्कूल के प्रांगण में आते होंगे, आते थे. सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम, और स्कूल रूम में बैठते थे. गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के खत्म होने पर स्कूल जाते थे. दे लर्न द सेम थिंग्स, वो एक ही चीज़ सीखते थे. सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे को मदद कर सकते थे. विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, होमवर्क में एक दूसरे को मदद करते थे और एक दूसरे के बारे में या होमवर्क के बारे में बात करते थे. बिकॉज ऑल द किड्स वर कमिंग टू अ सेम स्कूल, दे वर ऑल्सो फ्रॉम अ पर्टिकुलर नेबरहुड, दिस इज वाई द होमवर्क विच वॉज गिवन टू देम, दे डिस्कस्ड द होमवर्क एंड दे ऑल्सो हेल्प ईच अदर वाइल डूइंग दैट. अब आगे है द एंड द टीचर्स वेर पीपल, और ये भी उसके दिमाग में आ रहा है कि टीचर्स लोग हुआ करते थे, मतलब आदमी लोग टीचर हुआ करते थे, ये दिमाग में आता. द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, और मैकेनिकल टीचर उसके स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा था बार बार, वो जैसे कहते हैं ना लुक झुक करना, वैसे वो कर रहा था. वेन वी एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, वो क्या पढ़ा रहा था कि जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 ऐड करते हैं. मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, और मार्जी इस चीज़ को सोच रही थी कि कैसे पुराने दिनों को बच्चे प्रेम करते होंगे या चाहते होंगे, प्यार करते होंगे. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और उसी फन के बारे में, उसी आनंद के बारे में सोच रही थी जो आनंद पुराने दिनों के बच्चे, मतलब सेंचुरीज एगो बच्चे जो होते थे, सेंचुरीज एगो हाउ किड्स वेर हैविंग फन वाइल स्टडिंग इन द क्लासरूम विद अ टीचर एज अ पीपल, टीचर एज अ पर्सन, मतलब एक पर्सन के रूप में टीचर से वो पढ़ करके कैसे आनंद करते लेते होंगे, कैसे वो मॉक बनाते होंगे, ये सारा चीज़ वो सोच रही है. और उधर कंप्यूटर पे जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको एडिशन की बात, फ्रैक्शनल एडिशन की बात सिखाने के लिए आगे फ्लैश कर रहा. तो दिस वॉज ऑल स्टूडेंट्स द होल स्टोरी वी हैव कम्प्लीटेड. एक साइंस फिक्शन था, जैसा कि मैंने पहले आपको कहा था कि साइंस फिक्शन है, इसमें कल्पना की बातें हैं. आज से बहुत वर्षों बाद 2100 इसमें 57 ईस्वी आपको लिखा हुआ है पहले ही पेज में, जब मार्जी ने अपने डायरी में लिखा 17 मई 2157, तो इतनी आगे की बात बहुत पहले क्यों लिख, कैसे लिख दी गई है. तो दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ द स्टोरी राइटर, इमेजिनेशन ऑफ द ऑथर. तो इमेजिनेशन पे ही आधारित फिक्शन होता है, और ऐसा हो भी सकता है. आज जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं मोबाइल से, कंप्यूटर से, यूट्यूब से, आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले दिस वॉज नॉट पॉसिबल. आस्क योर ग्रैंडफादर, दे कांट एडमिट दैट दिस कुड बी डन व्हेन दोज डेज, इन चीज़ों को उन दिनों नहीं किया जा सकता था. क्यों? क्योंकि दिस मच एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी वॉज नॉट देयर, वॉज नॉट इन दोज डेज, उन दिनों ऐसा एडवांसमेंट नहीं था.
दिस इज वाई टूडे इवन इन लॉकडाउन वी आर रिमेनिंग इन आवर हाउसेज, यू आर समवेयर एल्स, आई एम समवेयर एल्स, बट वी आर एबल टू स्टडी लेसन वाइज, चैप्टर वाइज इन मैथमेटिक्स, साइंस और ऑल द सब्जेक्ट्स. तो दिस इज बिकॉज ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस. सो थिंकिंग अबाउट दैट दैट आफ्टर 200 ईयर्स दिस वुड हैपन, वॉट वी हैव सीन इन द टेक्स्ट और इन दिस पर्टिकुलर लेसन, दिस इज पॉसिबल. वी कैन से दैट दिस इज पॉसिबल, दिस कैन हैपन. तो आप अब इसमें इसको पढ़ने के बाद आप जो क्वेश्चन आंसर्स है आप इसको देख लेंगे एक बार, और जहाँ कहीं भी दिक्कत होगी आप कमेंट करेंगे. लेकिन डू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट वी शुड बी कनेक्टेड विद वन अनदर इन कमिंग डेज. इट्स ऑल, दैट्स ऑल. थैंक्स अ लॉट.